कल जो टॉपिक खत्म किया था कौन सा वाला किया था, आय और व्यय पर जो आधारित प्रश्न थे वो वाले खत्म किया। आज जो टॉपिक है वो कौन सा वाला, जनसंख्या पर बेस्ड वाले जो क्वेश्चन, कौन से वाले, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या वाले, ठीक है जी। तो जनसंख्या पर एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देंगे, इजी वाला, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय करेंगे। एक गांव में 30% लोग ऐसे हैं शिक्षित हैं, यदि एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी बात करूं तुमसे कि एक गांव है उसमें 30% लोग शिक्षित हैं, अगर सिर्फ तुमसे ये बात की जाए कितने परसेंट लोग अशिक्षित हैं, सिर्फ इतनी बात करिएगा कितने परसेंट लोग अशिक्षित हैं, 70%। अगर 30% शिक्षित हैं तो 70% क्या होंगे, अशिक्षित। जो गांव की जो कुल जनसंख्या उसका 70% क्या है, अशिक्षित हैं। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कितने लोग, यानी टोटल जो जनसंख्या है 6600 गांव की, जो टोटल जो जनसंख्या है गांव की कितनी 6600, उसका 70% क्या है, अशिक्षित हैं। तो 70% कैसे निकालेंगे, 70/100 00 कैंसिल हो जाएंगे ना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो कितना 0 7 6 42 और 7 6 42 और 4 6 46 4020, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष क्या है, स्त्रियां। बताओ अगर 75% पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी परसेंट हो जाएंगी, 25%, ठीक है। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है, 1350, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो हमने कुल कारखाने में जो श्रमिक हैं कितने मान लिए, ये 100 क्या मान लिए कुल श्रमिक, और कुल श्रमिक में से ये क्या मान लिया हमने, कुल श्रमिक कारखाने में, ठीक है। 100 में से 60% कैसे बताओ 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है। इस 60 में से 75% क्या है, पुरुष है, तो मुझे बताओ 60 का 75% कितना होगा, 60 का 75% कितना होगा 45, और शेष जो बचेंगे क्या होंगे, स्त्रियां होंगी, वो कितनी होंगी 25%, वो क्या होंगे स्त्रियां, स्त्रियां कितनी हो जाएंगी 15, 60 का 25% कितना 15। अब ये बताओ मुझे ये जो 1350 दे रखा है ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 1350 किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पर यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है 1350, ये 30 वर्ष से अधिक आयु में 60 से क्या टोटल थे जैसे पुरुष भी थी और स्त्रियां थी, इसमें से 75% क्या है पुरुष हैं और ये क्या है स्त्रियां, ये क्या है पुरुष हैं, ठीक है, ये क्या है पुरुष हैं और ये क्या है स्त्रियां। तो मुझे बताओ जो 1350 दे रखा क्या दे रखा है, पुरुष है स्त्रियां, पुरुष हैं, तो जो 1350 की वैल्यू बनेगी किसकी बनेगी, पुरुषों की बनेगी, पुरुष की वैल्यू कितनी 45, 45 की वैल्यू कितनी 1350, वन की वैल्यू कितनी 1350/45, निकालना क्या है, निकालना क्या है कुल श्रमिकों की संख्या कितनी, तो कुल कितने थे 100 को मल्टीप्लाई कर दो, 100 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कितना आ जाएगा 9 और 5 से कितना आ जाएगा 20, 9 से काटने कितना आ जाएगा 150, है ना, और 150 और 20 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 3000, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये क्या निकला कुल श्रमिक निकले। अच्छा एक से बता, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे लिए पूछता कि स्त्रियां कितनी है जो 30 वर्ष से अधिक आयु की हैं, अगर पूछता स्त्रियां कितनी हैं जो 30 वर्ष से अधिक आयु की हैं तो बताओ कितना आंसर होता, 15 का होता 15 का, क्योंकि जो स्त्रियां हैं 30 वर्ष से अधिक आयु की वो कितनी है 15, तो जो बन की वैल्यू जो निकली है, बन की वैल्यू जो निकली है किसे मल्टीप्लाई कर देते 15, कब जब स्त्रियों की संख्या पूछता था, लेकिन उसने क्या पूछा कुल श्रमिक कितने, कुल श्रमिक कितने 100 माने थे, तो बन की वैल्यू जो निकल के आई उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, आगे समझ में, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो देखो इस सारे क्वेश्चन को देखो, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी वर्तमान आबादी कितनी है। तो देखो इस तरीके जब क्वेश्चन आता है 20% घट जाए बढ़ जाए है ना, तो क्या करना सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन क्या करना चेंज करना है, कैसे 20% है फ्रैक्शन चेंज कर दो कितना आ जाएगा 1/5, ये 20% की वैल्यू है, ये कितना 100% है पहली वैल्यू से बता रहा हूँ है ना, ये कितना है 20% कितना है
100%। क्या बोला है इसने बताओ, घट रही है तो बताइए क्या होगा, घटी हुई है कि नहीं। अगर पहले पांच थी, अगर अभी पांच है, ऐसे मान लो अगर अभी पांच है तो बाद में कितनी रह जाएगी, एक घट जाएगी, कितनी चार। अब यहाँ पर देखो पांच से कितना हो गए चार, पांच से कितने हो गए चार। उसने बोला दो वर्ष पूर्व। यहाँ टाइम पर ध्यान देना, अगर ये टाइम दो बार है, कितना दो साल है, तो इसे दो बार लिख दो। अगर टाइम होता तीन साल तो इसे तीन बार लिख दो। अगर टाइम होता चार साल तो इसे चार बार लिख दो। इसी तरह सेम बिल्कुल, कितना दस साल हो तब भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दो साल दे रखा है, दो साल कर दो आपस में, दोनों क्या कर दें मल्टीप्लाई, पाँच से पाँच कर दूँ 25, चार से चार कर दूँ 16। अब हमें यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो 10,000 है ये कब की है, ये कब की है, दो वर्ष पूर्व। तो उसे बताओ पूर्व वाली कौन सी होगी, अच्छे बताओ अभी आबादी कम होगी या पहले कम होगी, अभी कम हो, क्यों, क्या कह रहा है, 20% प्रतिवर्ष घट रही है तो पहले ज्यादा होगी, अब क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, हर बार घट रही है। जैसे अगर मान लो वर्तमान में फिलहाल अभी अगर मान लो 10,000 है, अभी बताओ बाद में चलेगी 20% घट रही है, दो साल बाद क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, क्यों घटने की बात कर रहे हैं, तो देखो 20% क्या हो रहा है, घट रही है। तो मैंने ये रेशियो बनाया इस तरीके से करके 2500। यहाँ ध्यान देना है कि 10,000 जो पहले किसकी है, दो वर्ष पूर्व की है। यहाँ दो वर्ष कौन सी संख्या 25 है, और दो वर्ष कौन सा 25 है, क्योंकि दो वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, वर्तमान में क्या होगी अभी कम होगी। तो बताओ 25 की वैल्यू कितनी, 10,000। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 10,000 बट्टे कितना 25, 10,000 बट्टे 25 कितना हो जाएगा बताओ, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400। उसने पूछा दो वर्तमान आबादी कितनी, वर्तमान कितनी 16, 16 कैसे कर दो मल्टीप्लाई 16 × 400 कितना हो जाएगा 6,400। यही क्या है तुम्हारा आंसर है, आगे समझना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें ना, क्वेश्चन क्या है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है। सबसे पहले काम कौन सा करना है, 10% है इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, 1/10 आ जाएगा, वृद्धि हो रही है, ये क्या बनेगी वृद्धि बनेगी ना बनेगी बताओ, वृद्धि की बात कर रहा तो क्या बनेगा वृद्धि। अगर अभी 10 है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी 11। टाइम यहाँ कितना दे रखा है बताना, टाइम दे रखा 3 साल, तो कितनी बार लिख देना है, 3 बार लिख देना, 3 बार लिख देना, तीनों को क्या कर देना है गुणा कर देना, ये हो जाएगा 1,000, ये कितना हो जाएगा 1,300 कितनी कर देना। अब ये देखना, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद, कब की बात कर रहा है, 3 वर्षों बाद, ये बताओ अगर अभी 10 है तो बाद में कितना हो जाएगा 11, तो मुझे बताओ 3 साल बाद ये कितनी है अभी 1,000, और ये कितनी हो जाएगी 1,000 वर्तमान की, 3 साल बाद की है, बताओ वर्तमान की होगी। उसने बोला बाद में क्या होती है वृद्धि होती है हर साल कितने 10% की, तो बताओ वर्तमान की कौन सी हो जाएगी कम वाली कौन सी होगी वर्तमान, और बाद वाली कौन सी 1,333, क्योंकि हर बार क्या बोला वृद्धि है, तो बाद में क्या होगी ज्यादा होगी ना होगी। तो 10,000 जो वैल्यू बनेगी किसकी बनेगी, 10,000 कहाँ से होगी 64,000 वैल्यू किसकी बनेगी बताओ, 64,000 किसकी बनेगी 1,000 की, 13,000 और 1,333 क्यों बनेगी भाई, बाद वाली तो सुनो पूछी है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद ये है बाद का तो पूछा है, बाद वाली यही तो है, तो 1,000 की वैल्यू कितनी 64,000, तो 1 की वैल्यू कितनी भाई 0,0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बराबर कितना 64, क्या निकालना है 1,331, तो 1,331 64 कितना आ गया 85,184, यही आंसर है, आगे समझना आगे। अब देखो यहाँ पर ये तो समझ आ गया ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुम्हारे में जैसे पहली साल चेंज कर देगा, पहली साल 10% घट गया, दूसरी साल 20% बढ़ गया, तीसरी साल कुछ और दे दे परसेंटेज, यानी सेम ना रखे परसेंटेज, सेम ना रखे बदल दे, फिर क्या करें, कुछ नहीं करना, यही मेथड करना है ना। क्वेश्चन लिखाता हूँ फिर तुम्हारे अच्छी तरीके समझ आ जाएगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा,
यदि किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष 16% सहित 2/3% कमी, तीसरे वर्ष 25% वृद्धि होती है तो उस नगर की जनसंख्या वर्ष 2019 में कितनी होगी। यदि 2016 में 48,000 थी, कब की दे रखी है 2016 की दे रखी कितने 48,000 है, उसे 2019 में कितनी होगी। तो देखो काम वही करना जो पिछले वाले क्वेश्चन किया था, यानी जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन चेंज करना है। 10% है, बताओ कितना हो जाएगा, 10% कितना होगा 1/10, तो बताओ कितना हो जाएगा 10 से 11। अब देखो इतना समझ आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे, 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, और क्या हो रहा है हो रहा है कितना हो जाएगा 6 से 5। याद कर लो, अगर याद ना आए तो 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, यानी 6 से क्या हो गया 5 हो गया। 25% क्या हो रहा है बताओ, वृद्धि हो रही है 1/4, 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या बताया, तीनों का गुणा करना है। पिछला वाला क्वेश्चन था हम सेम थे, तो हम सेम से लिख दिए, जब तीनों अलग अलग तो अलग अलग, तो जो पिछला वाला पैटर्न वही थी। अगर इसमें कुछ काट कर सकता है इधर इधर से, सेम वाली लाइन में नहीं, इधर वाले से इधर से, इधर वाले से इधर का, अगर कोई भी कटता तो काट दो उसे ऊपर नीचे कोई सा कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 से ही कट जाएगा 2 बार तो काट दो, अगर कोई और कट रहा है इधर वाले से इधर वाला कोई सा भी तो काट दो, नहीं कट रहा नहीं कट रहा 6 तो नहीं, 12 और 12 चौके 48 और 11 पंजे, यानी ये बताओ वैल्यू किसकी है, 2016 के बाद है क्या ना, 2016 में 10 थी तो 12 कितनी होगी 11, 6 से कितनी होगी 5 और 4 से कितनी होगी 5, 48 वैल्यू किसकी है 48,000, तो 48 की वैल्यू 48,000, तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी यहाँ से 1,000। वैल्यू कब की पूछा है, जनसंख्या कब की, 2019 में कितनी होगी, 2019 में कितनी होगी भाई 55 है, 1 की वैल्यू जो आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 55 है, यही क्या है तुम्हारा आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़े, इससे एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई 5,600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो गांव की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है 5,000 है, जिस 5,000 में पुरुष भी हैं महिलाएं, 5,000 में पुरुष भी हैं प्लस महिलाएं भी हैं, यानी कि मैन और वुमेन दोनों के दोनों हैं, मैन भी हैं और वुमेन भी हैं, कितने 5,000। अब इसने बोला कि 10% तो बढ़ रहे हैं मैन और 15% बढ़ रहे हैं वुमेन, ठीक है ये बताओ 10% 15% बढ़ाएंगे कैसे, जब हमें ये पता हो कि मैन कितने वुमेन कितने, अलग अलग मालूम तो हों, अलग अलग पता हो तभी तो निकाल पाएंगे ना काम, जब अलग अलग पता ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करेंगे। यहाँ इसने एक तो दे दिया कि एक गांव की जनसंख्या पहले 5,000 थी, बाद में कितनी हो गई 5,600 हो गई, तो यहाँ से एक चीज़ तो निकालेंगे, एक गांव की संख्या 5,000 से 5,600 हो गई तो वो गांव में एक साल में कितने परसेंट बढ़ गई, वो मैन और पुरुष दोनों के दोनों एक गांव में 5,000 से 5,600 हो गई, तो यहाँ से ये तो निकाल सकते हैं एक वर्ष में कितने परसेंट बढ़ गई, आठ में पुरुष दोनों को दोनों 5,000 थी कितनी हो गई 5,600 हो गई, कितनी बढ़ेगी 600 बढ़ेगी, तो ये निकाल सकते हैं एक वर्ष में कितने परसेंट बढ़ गए मैन और वुमेन दोनों को दोनों, कैसे निकालेंगे 5,000 थी 600 बटे 5,000 थी 5,600 हो गई बात है ना, पहले कितनी थी 5,000 तो कितनी बढ़ेगी 600 सही है 600 बढ़ी, किस पे बढ़ी है 5,000% कैसे निकालेंगे 600 बढ़ी और किस पे बढ़ी है 5,000 पर बढ़ी इनटू 100, 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना है 60, यानी अगर हम तुमसे बात करें तो उस गांव की जो जनसंख्या बढ़ी है वो 12% बढ़ी है टोटल, टोटल कितनी बढ़ी है 12%। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा तो जो पुरुष कितने परसेंट थे 10 और महिलाएं कितनी थी, तो जो गांव की जो जनसंख्या बढ़ेगी ना ओवरऑल, गांव की जनसंख्या ओवरऑल जो बढ़ेगी इन दोनों के बीच का आएगा हमेशा 12%, बताओ 10 और 15 के बीच का है कि नहीं, 10 और 15 के बीच का है कि नहीं, जो गांव की जनसंख्या इसने जो दे रखी है मैन और वुमेन दोनों मिला के दिए हैं, और जो परसेंट बढ़ रहा है मैन का अलग है और वुमेन का अलग अलग दे रखा है, कि मैन बढ़े 10% वुमेन बढ़ी 15%, मैंने यहाँ जो निकाला है 12% क्या निकाला है
मैन और वोमेन दोनों ही के दोनों 12 पत्र पढ़ते हैं एक साल में, तो 5000 से कितने हो गए 5600 हो गए। तो जब दोनों को दोनों युद्ध निकल के आएंगे, इन दोनों के हमेशा बीच की निकल के आएगी, 10 और 15 के बीच कितनी 12। तो देखो थोड़ा टाइप है तो ये तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसी से ध्यान रहेगा। कैसे ध्यान रखना, कैसे ना रखना, प्रैक्टिस से ध्यान रखना। तो बताओ पुरुष कितने थे, मैन 10%, वोमेन कितनी 15। तो देखो ये चैप्टर एलिगेशन वाला है, उसमें पढ़ाऊंगा, अब इस क्वेश्चन आ गया मैं बता देता हूँ ना। तो देखो इन दोनों के बीच में कितना है 12%, तो इन दोनों के बीच में कितना बताओ, ये मैन थे वोमेन थी, दोनों का दोनों मैन और वोमेन दोनों ही 12% बीच में रख दिए दोनों को दोनों। अब देखो एक से क्या है बड़ा है और इससे क्या है छोटा है, तो हमेशा बड़े में से छोटा वाला क्या करना है माइनस करना। 12 में से 10 घटाएं कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, और 15 में से 12 घटाएं क्या आएगा 3 आएगा। ये क्या निकल के आएंगे, रेशियो मैन और रेशियो किसका निकलेगा, मैन और वोमेन का रेशियो निकलेगा, किसका रेशियो निकलेगा मैन और वोमेन। यानी उस गाँव के अंदर अगर टोटल कितने 5 अगर लोग हों, उसमें से 3 आदमी होंगे और 2 क्या होंगे स्त्री, यानी टोटल मैन और वुमेन कितने हो गए 3 मैन और 2 वुमेन कितना हो गए 5, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000। 1 की वैल्यू कितनी 1000। क्या पूछा उसने, मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो महिलाएं कितनी थी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 की वैल्यू 1000, तो 2 की वैल्यू कितनी 2000। अगर पूछा पुरुष कितने, तो 3 की वैल्यू क्या देते, बड़ी की वैल्यू जो निकली है 3 का मल्टीप्लाई करते थे कितना आया था आंसर 3000। तो आगे समझना इसी तरीके से करना है, जब कुल जनसंख्या दे रखी है गांव की, उसके बाद एक साल बाद की दे रखी हो या 2 साल बाद की कभी की दे रखी हो, यहाँ दे देगा तो हम यहाँ से ये तो निकाल ही सकते हैं कि ओवरऑल जो उसका परसेंट बढ़ा है उस गाँव की जनसंख्या वो कितना बढ़ा, वो कितना बढ़ा 12% बढ़ा, और मैन और वोमेन की दोनों कलर कितना 10 और 15, उन दोनों को बीच में रख देंगे जो एक साल वाले जो ओवरऑल जो निकला है रख देंगे। यहाँ से बड़ी में से छोटी वाली क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ जो रेशियो जो निकल के आएगा मैन है तो ये मैन का निकलेगा, ये वोमेन है तो वोमेन का निकलेगा, दोनों की वैल्यू कितने मैन और वोमेन 5, और दोनों की मैन और वोमेन कितने 5000, 5 की वैल्यू कितनी 5000, 1 की वैल्यू कितनी 1000, वोमेन पूछिए 2 की वैल्यू कितनी 2000, अगर पूछता पुरुष तो कितनी वैल्यू कर देते 3। तो समझ आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन और आते हैं तो तुम खुद करना है इसकी प्रैक्टिस, ये आगे समझना। तो आज फिर इतना ही, अगला वाला टॉपिक जो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।